माधव नगर शासकीय भूमि पर हो रहा था अवैध निर्माण। राजस्व पुलिस और नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर किया ध्वस्त। 1 करोड़ की शासकीय भूमि को कराया मुक्त। कटनी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के निर्देश पर पूरे प्रदेश में भू माफिया सहित अन्य अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों पर अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के निर्देशन में जिले में सतत रूप से अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में गुरुवार को माधव नगर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई संयुक्त दल द्वारा की गयी, जहाँ शासकीय भूमि पर अवैध रूप से 2 निर्माणधीन मकानों को ध्वस्त कर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। माधव नगर स्थित राहुल पिता बेगराज खूबचंदानी रिक्वा 1960 वर्ग फीट जिसकी कीमत 40 लाख एवं सूरज पिता लक्ष्मण आहुजा 3220 वर्ग फुट जिसकी अनुमानित कीमत 64 लाख। लगभग 2 जगह शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा किया हुआ था। 5000 वर्ग फीट से अधिक भूमि पर जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ से अधिक बताई जा रही है। कई बार नोटिस तामील होने के बावजूद कब्जाधारी ने कब्जा अलग नहीं किया, जिसके बाद एसडीएम बलवीर रमन के मार्गदर्शन में तहसीलदार मुनव्वर खान, नायब तहसीलदार रविंद्र पटेल, संदीप श्रीवास्तव, टीआई संजय दुबे सहित आज मौके पर पहुंचकर जेसीबी द्वारा कब्जे को हटाया गया। जैसे कि आज टूट फूट हो रही है माधव नगर में, ये किस संदर्भ में हो रही है? किस संदर्भ में हो रही है? ये राहुल पिता मेघराज खूबचंदानी एवं सूरज पिता लक्ष्मण दास आहूजा के द्वारा लगभग 2 जगह में इनके अलग अलग 5000 से अधिक शासकीय भूमि पर कब्जा किया गया था, जिसकी कीमत लगभग आज के दिन में बाजार रेट में 1 करोड़ रुपए से अधिक है। इनके विरुद्ध नजूल तहसीलदार मेरे द्वारा कार्रवाई की गई, इनको नोटिस दिया गया, जवाब दिया गया। इनके पास कोई भी भूमि के संबंध में दस्तावेज नहीं थे, बेदखली आदेश पारित किया गया, उसके बाद भी इनके द्वारा नहीं माना गया, इसलिए आज नगर निगम पुलिस और राजस्व के द्वारा संयुक्त टीम के द्वारा इनका अतिक्रमण हटा दिया। और कुछ ऊपर से आदेश है क्या माधव नगर के? बिल्कुल बिल्कुल आदेश है, ऊपर से आदेश है, शासन के आदेश है, वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश है कि जो भी इस तरीके से अतिक्रमण है उन्हें तो तुरंत हटा, जैसे कि शासन के हित में शासन की भूमि को बचाया जाए। जैसे कि अभी बोल रहे थे कुछ लोग कि नया निर्माण नहीं होगा, उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? नया निर्माण नहीं होगा का मतलब नहीं, नया निर्माण ही हो रहा था जिसे हटा दिया जी सर।